हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। सर, नए पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट में क्या फर्क आपको लगा? अब नया कोई भी नई चीज है जिसके सामने जिसका इतना प्रचार और प्रसार किया गया नए संसद का, भव्य तो है, इसमें दो राय नहीं। अभी मैं अंदर भी था, बैठा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे साथ साथ ये भी लग रहा था कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद नए संसद को लाया गया, क्या वाकई जरूरी था? पुराना संसद पुराना है, लेकिन पुराने संसद का जो योगदान है देश में, यानी वल्लभ पटेल हों कि जवाहरलाल नेहरू हों कि राजेंद्र प्रसाद हों कि आपके हमारे जितने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर जितने लोग आए यहाँ पे, उन लोगों ने देश के मामले में, देश की प्रगति के मामले में या जनता जनार्दन के जनजीवन से जुड़े जितने मामले हों, उन सबका समाधान या सबका यहीं से निर्माण हुआ इस पुराने संसद। क्या आवश्यकता थी इसलिए कि पुराना संसद पुराना हो चुका, तो क्या पुराना संसद हो गया उसके लिए हजारों करोड़ खर्च करके अब नए संसद को ला रहे हैं? तो कल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत पुराना हो गया, कई लोग कहेंगे देश के बहुत सारे भवन ऐसे हैं, तो क्या उनको भी बदलेंगे आप? अभी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द फ्लो, अभी अगर फंड की कमी है, देश के ऊपर इतना कर्जा है, इतने सारे पैसे हैं, तो हवाई जहाज पे इतने खर्चे होते हैं, क्या भवन संसद बनाने इस पर जो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। आज एक बड़ा ऐलान हुआ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, हालांकि उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन मूल रूप से 33% आरक्षण का समर्थन ममता बनर्जी से लेकर तमाम, सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने किया है। आपको लगता है कि ये बिल अब आसानी से पास हो जाएगा? वही मैं कह रहा था। बहरहाल आज अच्छा शुभ दिन है नए संसद का, हम सब थे वहां पे और पहली बार वो मांग देश की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग, महिला रिजर्वेशन बिल की मांग, जो सबसे पहले देश में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने उठाया था, या फिर हमारी सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भरपूर जोर देकर समर्थन किया था और उसकी मांग की थी, आज वो सपना साकार होता हुआ दिखता है, उसकी कगार पे आ गया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बिल तो अभी पेश हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी, जिसको इफ्स एंड बट्स कहते हैं, यानी इसको कोटा विद इन कोटा भी कहेंगे कुछ लोग, या कोटा विद इन कोटा के साथ साथ जो भी मामला चलेगा वो चलेगा यहाँ पे सेंसस का मामला। पहले सेंसस हो, फिर डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद फिर चर्चा के बाद फिर इसकी फिक्सिंग होगी, कहाँ कहाँ कौन कैसे कैसे। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगेगा, इतना आसान नहीं, इतने उत्साह में आने में आवश्यकता नहीं है। ये लगता है बिल जो है, जैसा लोगों को मानना है कि 2029 या 2026 के पहले ये शायद नहीं आता है, अगर पारित हो गया तो। बहरहाल हम शुभकामना देते हैं और हम महिला आरक्षण बिल का भरपूर समर्थन करते हैं। ओके, धन्यवाद, हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़।